हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश बायोलॉजी क्लासेस पर। दोस्तों, आज दिल्ली के राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं राज्य पशु नील गाय। इसे रोज अथवा बन रोज के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम बॉसिलेफस ट्रैगोकैमिलस है। राज्य पक्षी गौरैया, इसे घरेलू चिड़िया भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिकस है। प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। राज्य वृक्ष गुलमोहर, इसे रॉयल पॉइंसियाना स्वर्ग का फूल इंग्लिश में फ्लैम्बोयांट कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम डेलोनिक्स रेजिया है। राज्य पुष्प अल्फा अल्फा, इसे रिजिका अथवा लूसर्न घास भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेडिकागो सेटाइवा है। दिल्ली की राज्य नदी यमुना नदी है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली और इसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। 1927 में नई दिल्ली नाम दिया गया था, किंतु 13 फरवरी 1931 को राजधानी का उद्घाटन किया गया था, किंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत संघ की राजधानी घोषित किया गया था। इसकी स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को हुई और उसी दिन से इसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा। आज़ादी से पहले लगभग 300 वर्षों तक मुगल सम्राटों ने इस पर राज्य किया। मुगल सम्राट शाहजहां ने 1649 ईस्वी में इसे शाहजहांबाद नाम से स्थापित किया था। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी, इसके अतिरिक्त उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की जनसंख्या 1,67,87,941, जो सन 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसका जनसंख्या घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1 फरवरी 1992 को घोषित किया गया था, किंतु दिल्ली को 1985 में NCR दैट इज नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से घोषित किया गया था, जिसमें तीन राज्य की सीमाएं तथा उनके कुछ जनपद शामिल किए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। जिनमें से NCR में उत्तर प्रदेश के 8 जनपद, हरियाणा के 15 जनपद और राजस्थान के 2 जनपद शामिल हैं, जिन्हें मिलाकर दिल्ली सहित 25 जिले NCR में सम्मिलित हैं। नई दिल्ली का नाम 1927 में दिया गया और 13 फरवरी 1931 को नई राजधानी का उद्घाटन किया गया था। नई दिल्ली को लुटियंस दिल्ली के रूप में भी जाना जाता है,
क्योंकि लुटियंस के द्वारा काफ़ी चीज़ें डिजाइन की गई हैं, जैसे इंडिया गेट, संसद भवन, बड़ौदा हाउस, राजपथ, राष्ट्रपति भवन। इसके साथ ही भारत के कई अन्य राज्यों के भी कुछ भवनों, इमारतों को भी लुटियंस ने ही डिजाइन किया था। दिल्ली में दिल्ली मेट्रो, जिसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसके मुख्य मैनेजिंग डायरेक्टर ई श्रीधरन हैं, जिन्हें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मुख्य त्यौहार होली, दिवाली, दशहरा, ईद आदि हैं। यहाँ के मुख्य पर्यटक स्थल लोटस टेंपल, अक्षरधाम, लक्ष्मी नारायण टेंपल, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट, जामा मस्जिद आदि अन्य ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए काफ़ी विदेशी पर्यटक व अन्य राज्यों के लोग भी आते हैं। प्रमुख आयोजन की बात किया जाए तो फर्स्ट और नाइन्थ एशियन गेम, जो कि 1951 और 1982 में आयोजित किए गए थे, नाम समिट 1983 में आयोजित हुआ, 2010 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए, 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित हुआ, 2012 में ब्रिक्स समिट का आयोजन भी दिल्ली में ही हुआ था। नई दिल्ली को सिस्मिक जोन फोर्थ में रखा गया है, अर्थात भूकंप क्षेत्र फोर्थ में रखा गया है, और यहाँ पर सफ़र सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च की स्थापना भी यहीं पर ही हुई है, जो भूकंप तथा अन्य मौसम संबंधी जानकारी देने का कार्य करता है। मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।